आज का टॉपिक स्पाइनल ट्यूमर्स के ऊपर है। और स्पाइनल ट्यूमर्स किस टाइप के होते हैं? स्पाइनल ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्यूमर, एक होता है सेकेंडरी ट्यूमर। अगर कोई भी स्पाइन के एरियाज में, जैसे बोन्स, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड के एरिया से अगर ट्यूमर अराइज हो रहा है या उसके सेल्स से अराइज हो रहा है तो उसको प्राइमरी ट्यूमर बोलेंगे। या फिर जैसे कोई बाहर का ट्यूमर है, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर या फिर लंग ट्यूमर या फिर प्रोस्टेट ट्यूमर, और वहां का ट्यूमर कोई ब्लड चैनल के द्वारा दूसरे जगह पे, स्पाइन के जगह पे मेटास्टेसाइज हो जाए, जिसको सेकेंडरी ट्यूमर्स का नाम दिया गया। सो ये दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। और एक क्लासिफिकेशन है जिसमें बेनाइन ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का नाम दिया गया है। बेनाइन ट्यूमर्स मतलब जो कि कैंसर का रूप नहीं लेते कभी, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मतलब कैंसर। सो दो टाइप के स्पाइनल ट्यूमर्स देखे गए। सो बहुत सारे टाइप के ट्यूमर्स है, जैसे मेनिंजियोमास हो गए, कॉर्डोमास हो गए, एपेंडाइमोमास हो गए, फिर श्वानोमास हो गए, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइन ट्यूमर्स देखे गए हैं। और स्पाइन के ट्यूमर्स के अंदर और एक क्लासिफिकेशन है जिसको इंट्रामेडुलरी या फिर इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी या एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर्स का नाम दिया गया है। मतलब अगर आप सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की बात लें, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर के ट्यूमर्स, स्पाइनल कॉर्ड के कवरिंग के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ऐसे तीन टाइप के ट्यूमर्स देखे जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। सो इस स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स के कारण हमें क्या तकलीफ हो सकती है? जैसे स्पाइनल डिसीजेस में तकलीफ होती है, एग्जैक्टली वैसी ही तकलीफ हमें देखी गई। जैसे हाथों में झुनझुनाहट, अगर नेक में कोई ट्यूमर है तो नेक पेन होना, नेक के मूवमेंट के साथ तकलीफ होना, पैरों में अगर झुनझुनी है, कमर में दर्द है, दोनों पैर में तकलीफ होना, ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं पेशेंट्स में। चलने में दिक्कत होना, हाथ यूज करने में दिक्कत होना। सो बेसिक रूल यही है कि वहां पे कोई गठान आ जाए जिसके कारण हमें नसों में तकलीफ होने चालू हो जाए, जिसके कारण हमें हाथ पैर यूज ना कर पाने लगे, इसी तकलीफ के कारण, पेशेंट के तकलीफ के कारण वो डॉक्टर्स को दिखाता है। और इसका मेन डायग्नोसिस सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन से ही होता है। सो सीटी स्कैन्स एंड एमआरआई स्कैन्स, जिसमें प्लेन एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट सीटी से ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कोई भी स्पाइनल ट्यूमर्स का। मेरा नाम डॉक्टर वैभव नासरे है, मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ, मैं डायरेक्टर यूनाइटेड हॉस्पिटल भी हूँ, और आज मैं स्पाइनल ट्यूमर्स के बारे में बात करूंगा। मैंने कम से कम ब्रेन और स्पाइन की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी मेरे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 1000 कर चुका हूँ। स्पाइन ट्यूमर्स कौन से रीजन में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली तकलीफ पेशेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर नेक में है तो उसके चारों हाथ हो पैरों में तकलीफ होगी, अगर सिर्फ बैक में है मतलब लोअर बैक में तो उसके दोनों पैरों में तकलीफ होगी, अगर सीवियरली नर्व को कंप्रेस कर रहा है तो उसको यूरिन और मोशंस करने में भी तकलीफ हो सकती है, हाथों का यूज और पैरों का यूज करने में तकलीफ हो सकती है, सेक्सुअल फंक्शंस हैम्पर हो सकते हैं, डेली लाइफ हैम्पर हो सकती है, और इनका डायग्नोसिस सिर्फ सीटी और एमआरआई से ही किया जाता है। सो जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा माइक्रोस्कोपिकली किया जा सकता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनमें मल्टीपल डॉक्टर्स का अप्रोच लगता है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लगता है, जिसमें न्यूरोसर्जन्स इन्वॉल्व रहते हैं, ऑंकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, ओनली फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट मैक्सिमम 99% ट्यूमर्स न्यूरोसर्जन्स के पास लैंड अप होते हैं, बिकॉज दे आर द स्पेशलिस्ट ट्रीटिंग डॉक्टर्स फॉर एनी काइंड ऑफ स्पाइनल ट्यूमर्स। एंड स्पाइन जो ट्रीटमेंट्स है, स्पाइनल ट्यूमर्स ट्रीटमेंट्स, माइक्रोस्कोपिकली ही रिसेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए न्यूरोसर्जन सक्षम होते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की बटन को दबाइए ताकि हमारे हर नए वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। टू समराइज, स्पाइनल ट्यूमर्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीज है, जो कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग तकलीफ के कारण पेशेंट बहुत तकलीफ में रहता है, इसको फैमिली सपोर्ट, डॉक्टर्स सपोर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट सपोर्ट, फैमिली का केयर, सब चीज़ों का मेंटल सपोर्ट लगता है, और ये सब पेशेंट्स का रिकवरी स्लो रहता है और इट इज़ टाइम टेकिंग, और इस पे पेशेंट्स को डॉक्टर्स पे बहुत फेथ रखना पड़ता है। जो कि बेनाइन ट्यूमर्स रहते हैं और एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर्स रहते हैं उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है और ये फास्ट भी रिकवर करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं और मेटास्टेटिक स्पाइनल ट्यूमर्स है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, जो कैंसर के ट्यूमर्स रहते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स, ये पेशेंट्स बहुत, इनका लाइफ प्रोलॉन्ग करने का डॉक्टर्स कंप्लीटली ट्राई करते हैं, और इसमें मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच लगता है। इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स में पैरालिसिस बहुत बार पेशेंट्स में देखा गया है, जो कि 100% नॉर्मल ना आते हुए
80-90% रिकवर करते हैं और 10% डेफिसिट्स के साथ उनको लाइफ आगे बढ़ाना पड़ता है। बाकी के जो ट्यूमर्स रहते हैं उनका रिकवरी अच्छा रहता है। अगर इवन इफ दे आर लिटिल बिट ऑफ कैंसरस, देन ट्यूमर को निकालने के बाद उनको कीमोथेरेपी वगैरह अगर जरूरत है तो वो दी जाती है, रेडिएशन की जरूरत है तो वो दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। हर हफ्ते मैं ब्रेन और स्पाइन के डिसीजेस के बारे में आपको बताता रहूंगा, माइक्रोस्कोपिक ब्रेन एंड सर्जरीज के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज काइंडली कमेंट बिलो।